मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। आज हम बात करते हैं पायरिया के बारे में, जो कि एक बहुत ही सामान्य, जो कि बहुत ही मतलब बहुतायत में पाई जाने वाली बीमारी है पायरिया। पायरिया जो है वो, इसके अगर अपन लक्षणों की बात करें तो पायरिया में सबसे पहले जो है वो मसूड़ों में सूजन आपको दिखेगी, उसके साथ में रेडनेस आपको दिखेगी, दर्द हो जाएगा, दांतों में दर्द रहता है पायरिया में, पायरिया की स्थिति में दांतों से पस आने लगता है और ब्लीडिंग जो है देखने को मिल सकती है। ये लक्षण जो है इन्हें देख करके अपन पायरिया को पहचान सकते हैं कि ये पायरिया है। अब पायरिया के क्या क्या कारण होते हैं, तो पायरिया के कारणों की अगर अपन बात करें तो पायरिया में जनरली जिंजिवाइटिस अगर हो रहा है किसी को, तो उसकी बढ़ती हुई स्थिति में पायरिया हो सकता है। अगर आप ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये भी एक पायरिया का कारण बन सकता है आगे जाके। दांतों में आजकल कैलकुलस की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है, कैलकुलस आगे जाके पायरिया जो है वो कर सकता है। अगर किस कई तरह के हार्मोनल चेंजेस हैं, ये भी पायरिया के कारण बनते हैं। कई बीमारियाँ हैं जैसे डायबिटीज़ है, एड्स है, इस कंडीशन में भी पायरिया जो है वो देखने के लिए बहुतायत मात्रा में मिलता है। तो ये कई कारण हैं जो पायरिया के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आयुर्वेदिक इसके उपचार की अपन बात करें तो पायरिया के उपचार के लिए अगर आपको समझ में आता है कि ये पायरिया है, तो सबसे पहले तो इसके मूल कारण पर पहुंचना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो काम में आ सकते हैं, जो केवल प्राथमिक अवस्था में उपयोगी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मसूड़ों से ज़्यादा ब्लीडिंग होना चालू हो गई है या पस आ रहा है, तो आप फिट करिए कि 2-3 पिंच लेकर के किसी लुकोवार्म वाटर में डाल करके उससे अपन गार्गल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुलेठी और त्रिफला का काढ़ा बना करके उस काढ़े से आप गार्गल कर सकते हैं। ये पायरिया के कुछ घरेलू उपचार हैं। इसके अलावा बृहद चिकित्सा जो है वो आयुर्वेदिक सेंटर पर आके करवाई जा सकती है। उसमें तीक्ष्ण आयुर्वेदिक द्रव्यों से पूरी तरह से मुख का शोधन किया जाता है। शोधन करने के उपरांत में जो ब्लड है, जो दूषित रक्त है, उसको निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद में फिर उसमें कई तरह के गार्गल यूज़ में लाए जाते हैं। जो मेडिकेटेड ऑयल हैं या घी हैं, इनसे गार्गल करवाया जाता है। फिर रोग कंट्रोल में आने के बाद में कुछ आयुर्वेदिक ऑयल्स जो हैं उनसे मसाज की जाती है, और आखिरी में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा कर्म होता है, इसे नश्य कर्म बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो इन उपायों के द्वारा अपन पायरिया पर नियंत्रण पा सकते हैं।